नमस्कार भैनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा प्रथम, विषय हिंदी, वाटिका भाग एक। भैनों, आज आप मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्ष है, क्ष बोलते हैं इसको। त्र, ज्ञ, ये स्र है। ये चार अक्षर जो हैं ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इससे पूर्व ह तक के जो व्यंजन होते हैं, ह तक के जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33। वो 33 व्यंजन होते हैं, यानी क से लेकर के ह तक के जो अक्षर होते हैं इनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, यां, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। इस प्रकार से हा तक के जो अक्षर होते हैं या व्यंजन होते हैं ये 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33, ठीक है। और ये जो अलग से जो ये चार अक्षर हैं फिर आगे, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से। अभी मैंने बताया था कि का, खा, यानी का से लेकर के ह तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इनको व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और इससे पूर्व क्या आता है कि अ, आ, ई, ई, उ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, तो ये क्या है, स्वर, ये क्या है, स्वर, ठीक है। इनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। अगर कोई कहेंगे हिंदी में स्वर किन्हें कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, अ, आ, ई, ई को हम जो है स्वर बोलते हैं। ये कितने होते हैं, ये 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13। वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन जो दो अंत के जो दो स्वर होते हैं इसको हम अयोग वाह बोलते हैं, इसलिए इनको स्वर में नहीं गिना जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। इससे पूर्व हम जो है अव तक इस प्रकार से 11 स्वर, हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। आह तक के जो है वो इस देव उसको जो है 13 स्वर माना गया है। तो अब हम आते हैं इसमें, तो ये तो हो गया स्वर और व्यंजन के विषय में, ठीक है। अ से लेकर के आ तक के ये जो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क से लेकर के ये ह तक जो ये व्यंजन कहलाते हैं, और आगे के जो चार ये अक्षर हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिले होते हैं वो, यहाँ पर तो एक अक्षर बना हुआ है, दो अक्षरों से एक अक्षर बना है, इसलिए इसको
संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अक्षा, ये अक्षा दे रहे हैं, ये का प्लस स, का प्लस स, तो क्या हो गया क्ष। फिर यहाँ नीचे देखिए इतरा है तो ता प्लस र, ता प्लस र, क्या हो गया मिला के त्र। ठीक है, फिर अगला ज प्लस यो, ज प्लस यो, ज्ञ, ये क्या हो गया ज्ञ। ठीक है, अगला देखिए सरा, सा प्लस र, सा प्लस र, क्या बन गया स्र। समझ में आया, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला अक्षर वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, और ये व्यंजन है तो इनको हम जो है व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, दोबारा देखेंगे क्ष का निर्माण कैसे हुआ है, इसमें आधा क है और स षटकोण है, आधा क और स षटकोण, इस प्रकार से यह क्ष बना। ठीक, त्र का निर्माण कैसे हुआ है, ये त आधा त प्लस र, आधा त प्लस र, तो त्र, अभी मैंने बोला था आधा त, यहाँ बोला था आधा क। आप कहेंगे यहाँ पर तो पूरा क लिखा हुआ है, तो सर जी जो है आधा क क्यों कह रहे हैं, आधा क इसलिए कह रहे हैं क के नीचे ये डंडा जैसा लगा, नीचे को हलंत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हलंत, तो जब ये लग जाता है तो ये अक्षर जो है आधा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसलिए इसको हमने आधा बोला, आधा क और स क्ष। फिर आधा त और प्लस र त्र, फिर ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, आधा ज और य, आधा ज प्लस य, क्या हो गया ज्ञ। ठीक है, स्र आधा सा, आधा सा प्लस र, क्या हो गया स्र, आधा सा प्लस र, क्या बन गया स्र। ठीक है, समझ में आया, दोबारा आप देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, क्ष में का और सा मिला हुआ, आधा का मिला हुआ है फिर सा मिला हुआ है, इसलिए क्ष हो गया। ठीक है, ता में, त्रा में ये आधा ता और रा मिला हुआ है, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया त्रा। ठीक है, फिर ज्ञ में आधा ज और य, आधा ज और य, ज्ञ हो गया। ठीक है, स्र फिर यहाँ पे आधा स और र, आधा स और र। ठीक है, तो क्या बन गया स्र, समझ में आ गया ना। अब देखिए इनसे बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे क्या लिखा है क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, त्र से त्रिकोण, त्रिकोण, फिर ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, सही है, और भी शब्द इन्होंने दिया है यहाँ पर, क्षा है कक्षा, रक्षा, अक्षर, अक्षय, क्षमा, पक्षी, ये जो लाल अक्षरों से लिखा है ये क्षा है। ठीक है,
दोबारा देखेंगे, कक्ष, रक्षा, अक्षर, अक्षय, क्षमा, पक्षी। ठीक है, फिर त्रापाया देखिए, इत्र, मित्र, चित्र, पुत्र, पत्र, त्रिभुज। सही है, इत्र, मित्र, चित्र, पुत्र, पत्र, त्रिभुज। सही है, अगला देखेंगे नीचे, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञात, अज्ञान। दोबारा देंगे, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञात, अज्ञान। अगला नीचे, स्र से श्रम, श्रवण, आश्रम, आश्रय, श्रोता, श्रीमान। दोबारा देखेंगे, श्रम, श्रवण, आश्रम, आश्रय, श्रोता, श्रीमान। ठीक है, दोबारा आप देखेंगे इस प्रकार से, इनको आप जो है पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसको, इन अक्षरों को बार बार लिखने का भी अभ्यास करेंगे और याद भी करते जाएंगे कि ये अक्षर इन्हें किन दो व्यंजनों से मिल करके बने हैं। ठीक है, दोबारा आप देखेंगे, क्षत्य, ये क्ष है तो यहाँ पर आ जाएगा कक्षा, रक्षा, अक्षर, अक्षय, क्षमा, पक्षी। ठीक है, त्र, इत्र, मित्र, चित्र, पुत्र, पत्र, त्रिभुज। ठीक है, जैसे यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञात, अज्ञान, यह ज्ञान और यह अज्ञान। ठीक है, अगला, श्रम, श्रवण, आश्रम, आश्रय, श्रोता, श्रीमान। श्रम, श्रवण, आश्रम, आश्रय, श्रोता, श्रीमान। ठीक है भैया बहनों, समझ में आया? एक बार पुनः देखेंगे, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, क्ष, इसको हम क्ष बोलते हैं, ये त्र, त्र है, ये ज्ञ है, ये स्र है। ठीक, क्ष का प्लस स, क्ष, त प्लस र, त्र, ज प्लस य, ज्ञ, स्र, स प्लस र, स्र, क प्लस स, क्ष, क्ष से क्या बन गया, क्षत्रिय, त प्लस र, त्र, त्र से ये त्रिकोण, ये त्रिकोण, तीन कोने हैं इसको त्रिकोण बोलते हैं। ज्ञा, ज प्लस य, ज्ञ, फिर यहाँ से ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी लिखा है, फिर सा प्लस र, क्या हो गया, स्र, स्र से क्या हो गया, श्रमिक, क्या बन गया, श्रमिक। ठीक है, तो क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिकोण, ज से
ज्ञानी, स्र से श्रमिक, ठीक है। और भी अक्षर आप जो है और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे ये बने हुए हैं, फिर ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। आपके दिमाग में कोई और शब्द आ रहा हो तो वो भी आप जो है बना सकते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।